अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेशन इन्फो। स्पेशल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो आ चुकी हैं। नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इन लेटर भी जारी कर दिया है मुख्तलिफ महकमों को कि जो कमेटी बनी थी सैक्ड एम्प्लॉयज़ के हवाले से स्पेशल कमेटी, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं और वो जो है मुख्तलिफ महकमों को भेज दी गई हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि तमाम जो सैक्ड एम्प्लॉयज़ हैं और एग्रीव्ड एम्प्लॉयज़ मैं कहूँगा कि उनके जो मसाइल हैं अब इंशाल्लाह हल होने को हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जो आर्डर आया है, उसका लेटर भेजा गया है, उसको हम एक तो डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और उसकी क्या तशरीह हो सकती है। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये मुलाज़मीन की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। अब क्योंकि ये कमेटी ने तो अपनी रिकमेंडेशन दे दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी तवज्जो तलब हैं, यानी मुलाज़मीन को उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये तमाम टॉपिक इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस होगा। उम्मीद है करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। ये है वो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का लेटर, जो रिकमेंडेशंस हैं स्पेशल कमेटी की, जो मुख्तलिफ महकमों को वो भेजी गई हैं। ये काफ़ी सारी रिकमेंडेशन हैं, इंशाल्लाह आगे हम इसको डिस्कस भी करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये वो कंप्लीट लेटर है जो आपके सामने आ रहा है। ये काफ़ी, इसके तकरीबन 11-12 पॉइंट्स हैं और ये 19 तारीख को, जो 19 अक्टूबर को हुई थी मीटिंग स्पेशल कमेटी की, तो उसके अंदर ये रिकमेंडेशंस आई हैं और ये महकमों को भेज दी गई हैं कि आप ये महकमे उनको जो है वो करेंगे कि हाँ क्या क्या है इसके अंदर। ये सारी तफसीलात इसके अंदर हैं। पीछे हम जो आर्डर्स देख चुके हैं उसके कुछ पॉइंट्स ये हैं। ये मुख्तलिफ महकमे हैं जिनको डायरेक्शंस दी गई हैं। इनको इस वजह से डायरेक्शन दे गए हैं कि इनके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल जो मुलाज़मीन आते हैं या महकमे हैं या इनके अटैच डिपार्टमेंट हैं, कोई डिवीज़न है तो उसके अंदर को ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज़ हैं उस मुख्तलिफ किस्म, और उसके अंदर जो है कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या पब्लिक एंटिटीज़ हैं जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आती है। इस वजह से इनके जो डिवीजन्स हैं या मिनिस्ट्री हैं उनको ये लेटर जारी कर दिया। उसकी कुछ तफसील ये है। पहले नंबर पे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, ऑफिस को ये हाँ जारी किया गया है। उन्होंने डायरेक्शन दी गई है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आप जमा करें। ये रिकमेंडेशन है कमेटी की। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी इसी तरह की रिकमेंडेशन दी गई है कि कैबिनेट डिवीजन को भी इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप अपनी भी रिपोर्ट जमा कराएं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को भी ये कहा है, जिसके अंडर NHA वगैरह आता है, उनके मुलाजमीन भी सैक्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको भी ये कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्ट जमा कराएं कि किस हद तक आपने मुलाजमी इनको जो है रिस्टोर किया है या उनके जो अलर्ट मामलात हैं वो क्या हल हुए हैं या नहीं हुए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी FDE के जो मुलाजमीन हैं, खासकर ये सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड है मेरी नज़र में, क्योंकि इनको पहले इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जो है वो थोड़ी सी चेंज की गई थी, फिर इनको काफ़ी सारे मामला, तो बहरहाल इनको भी अभी ये जो मेहरबानी की है स्पेशल कमेटी ने, उनने भी इनको भी डायरेक्शन दिया है कि आप अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर जमा कराएं। इसके अलावा फाइनेंस डिवीजन को कहा गया है कि आप भी अपनी रिकमेंडेशन दें, तो उसके अपनी जो है रिपोर्ट जमा कराएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को भी कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को बड़ी अच्छी है जो है वो डायरेक्शन दी है कमेटी ने। उन्होंने कहा है कि AGPR के जो मामलाते हैं उसके वेगरसली यानी बड़ी सख्ती से उनको उसके ऊपर नजर रखी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे पे अलाउंसेस का मामला जो है वो काफ़ी पेंडिंग का शिकार हैं। तो बहरहाल इसके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के को भी दी गई है। APP के मुलाजमीन इसके अंदर आते हैं। रेडियो पाकिस्तान के लिए भी खास तौर पे मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शन जारी किया गया, आप भी अपनी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराएं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये कहा गया है कि आप 1 दिन के अंदर लीगल ओपिनियन अपना दें कि क्या ये आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉ का बहुत कलीदी किरदार होगा इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि लॉ ही है जो इसके मामलात को देख सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है। इसके मुताबिक उसकी जो हकायक है या मुख्तलिफ जो इंटरप्रिटेशन है
वो तो लाइन जस्टिस ही बता सकती है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मलेशिया पेट्रोलियम को भी ये डायरेक्शन जारी किया कि आप अपने रिपोर्ट जमा कराएं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे इदारे आते हैं, खासकर ये जो मुख्तलिफ पेट्रोलियम के जो PSO वगैरह हैं, या ये मामला, ये भी काफ़ी सारे साइड एम्प्लाइज हैं इसके अंदर आते हैं। पावर डिवीजन जो वापडा वगैरह को देखता है, ये भी इसके अंदर जो है मुलाजमीन, इसको भी कहा गया है कि आप अपने रिपोर्ट 3 दिन के अंदर जमा कराएं। ये तो वो महकमे हैं जिनको ये डायरेक्शन इस कमेटी ने, जो स्पेशल कमेटी बनेगी है पार्लियामेंट की, उसने ये डायरेक्शन जारी की है। ये बहुत खुशाइन बात है कि ये डायरेक्शन जो मुलाजमीन के लिए इंशाल्लाह सूदमंद साबित होगी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए सैकड एम्प्लॉयज के हवाले से। ये बहरहाल इस तरह के कुछ मैंने कंसाइज किए हैं कि पहले नंबर पे है मुलाजमीन को रेस्टोरेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी मुलाजमीन की ये होनी चाहिए कि वो अपनी रेस्टोरेशन कराएं, क्योंकि जब तक आप रिस्टोर नहीं होंगे उस वक्त तक इफ एंड बट्स में नहीं, बिल्कुल क्लियर ऑर्डर इशू होने चाहिए कि आपकी रेस्टोरेशन हो चुकी है। ये सब्जेक्ट टू वाली बात नहीं होती, ये रेस्टोरेशन तो हमने कर दिया है कि लेकिन ये टेस्ट से मशरूत है, सब्जेक्ट टू द टेस्ट है, FPSC लेगी, सब्जेक्ट टू द जो लैंड जस्टिस की जो है वो क्लेरिफिकेशन आएगी, सब्जेक्ट टू द फाइनल अथॉरिटी होगी, हमने कुछ समरी पुटअप कर दी है चीफ एग्जीक्यूटिव को। ये नहीं, आप ऐसी कोशिश ये करनी चाहिए मुलाजमीन को कि अपनी किसी तरीके से रेस्टोरेशन कराएं। रेगुलराइजेशन ऑफ पे अलाउंसेस, जब रेस्टोरेशन हो जाती है तो फिर पे अलाउंसेस का भी मसला है कि मुलाजमीन के काफ़ी सारे तनख्वाह के मामले आते हैं। ये कलीदी चीज़ें होती हैं जो मुलाजमीन के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके पे अलाउंसेस को भी रेगुलराइज किया जाना चाहिए, करने के लिए ये मुलाजमीन की जो सैकड एम्प्लाइज के जो हैं वो लोग हैं उनको ये प्रायोरिटीज़ उनकी होनी चाहिए। सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो है सिविल सर्वेंट एक्ट, क्योंकि सैक्ड एम्प्लॉयज का एक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब मुलाजमीन जो हैं वो क्या है, सिविल सर्वेंट हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, क्या है, इसके बारे में भी मुलाजमीन को ख्याल करना चाहिए कि जो है वो मुलाजमीन जो सिविल डिपार्टमेंट से हैं वो सिविल सर्वेंट होने चाहिए, जो पब्लिक सर्वेंट के अंडर आते हैं वो पब्लिक सर्वेंट आते हैं, या जो एंटिटीज के यानी जो PSO वगैरह के हैं, या SNGPL के हैं, SSGC के हैं, जो भी मुलाजमीन हैं उनको अपने जो महकमे में जो दूसरे मुलाजमीन को जो परमानेंट एम्प्लाइज हैं उनको जो हकूक हासिल हैं उसको उसी तरह गवान किया जाए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट जो सैकड एम्प्लाइज का एक्ट है वो भी खत्म हो चुका है, ये जहन में रहना चाहिए। सीनियरिटी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि इसके ऊपर बाकी लोग जो एग्जिस्टिंग होते हैं वो मसाइल पैदा करते हैं। बहरहाल इसको भी, ये भी मुलाजमीन सैकड एम्प्लाइज की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद पे रिफिक्सेशन है, काफी सारे मुलाजमीन की हो चुकी है, उसके बाद जो पे फिर रीफिक्सेशन का मामला है पॉइंट टू पॉइंट, यानी जब से वो भर्ती हुए थे इनिशियल पे उनका काफ़ी अच्छे से ये मामला चल रहा है, तो उनको रीफिक्सेशन के ऊपर भी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। एरियर्स के लिए ये है कि आप दोस्तों से ये गुजारिश भी यही है कि आप कमेटी से गुजारिश करें कि क्योंकि महकमे तो ये कह देंगे कि जनाब हमें क्वार्टरली बजट मिलता है, हम उतना खर्च कर सकते हैं, हमारे पे अलाउंसेस ERE जो होते हैं, एम्प्लॉयज रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हर महकमे के, वो उस वक्त जब बजट बना था तो हमने ये रखे थे, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये यकीनन ये बात सामने आएगी, आप शायद देख भी लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे बजट ही नहीं है, अमेरिकन कहाँ से ने, तो इस वजह से क्योंकि जो कस्टोडियन जो है फाइनेंस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की वो पार्लियामेंट है, और ये पार्लियामेंट की कमेटी है, उनसे दसबस्ता जो है गुजारिश की जाए कि फाइनेंस डिवीजन को कहा जाए कि ये इसके लिए कुछ स्पेशल फंड इन महकमों को जारी कर दें जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो उनके ऊपर ये मसला एरियर्स का हल हो जाएगा। जो पब्लिक सेक्टर के एंटिटीज हैं या जो भी इसी तरह के खुद मुख्तार इदारे हैं उनको भी ब्लैक एंड वाइट या मेहरबानी करके ये कोई डायरेक्शन जारी की जाए ताकि वो भी हासिल कर मुलाजमीन के ये मसाइल हल हो सकें। इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उसके लिए भी आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के ये जो है FPSC के बारे में जो टेस्ट है ये एक ऐसी लटकती तलवार है नहीं, ये मेरे नज़र में ये लकड़ी की तलवार है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब भी महकमे आप किसी को भी मसला करना है तो वो कहेंगे जनाब FPSC का टेस्ट दें। अब इसके बारे में भी ये वंस फॉर ऑल इस चीज़ को सॉल्व होना चाहिए कि आपकी ये प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए।
अहम तरीन बात यह है कि सबसे जो तवज्जो तलब होते हैं पेंशनर्स होते हैं, क्योंकि जो लेट रिटायरमेंट होती है, इंसान 60 साल दे देता है जेक मुलाजिम, या 25 साल उसने किया है, 55 साल की उम्र में रिटायर हुआ, 40 में हुआ, जो भी हुआ, उसके अंदर जो है उनको पेंशन का मामला बड़े होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो जो मुलाजिम होता है वो किसी के अपने बच्चों से नहीं मांग सकता। बहरहाल ये लोग जो होते हैं काबिल रहम भी हैं, तो इनके भी मामला को इस कमेटी के अंदर डिस्कस होना चाहिए, कि वो कहना चाहिए कि मेहरबानी करके इनके मामलों को भी देखा जाए। कोर्ट केसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, मेरे नंबर में ये पहले नंबर वन पे होनी चाहिए थी। बहरहाल ये कोर्ट केसेस जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चल रहे हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या कोई ऐसी कोर्ट है जो कॉम्पिटेंट है उसके अंदर चल रहे हैं, तो उसको मुलाजमीन को उनको भी वो करना चाहिए, ये नहीं उसकी परसू करना चाहिए। ये नहीं हो कि उनको आप छोड़ दें, आप कहें कि जनाब ये बस ये हो जाएगा, ये आप उनको भी उसी तरह जिस तरह जो आप मेहरबानी करके पहले आप उसको देख रहे थे, तो उनको भी आपको ये देखना चाहिए कि कोर्ट केसेस जो हैं वो आपके उसी जो रफ्तार से जो आप उसको कर रहे थे, उसको देख रहे थे, आप उसको देखना चाहिए। इसके अलावा सबसे अहम चीज ये है कि रिव्यू बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं, काफी सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिस तरह मैं कह देता हूं सर्वे ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, या इस तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो मुलाजमीन के अभी तक इसमें वो कंसिडर नहीं हुए, उनको कोई जो वो लोग हैं वो नहीं दे रहे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग हैं उसको अंदर, उनको भी मामला को भी कमेटी से ये गुजारिश है, जो लोग हैं इसके अंदर जो देख रहे हैं मामलात को, उनको भी मेहरबानी करके कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये भी साइड एम्प्लॉयज हैं, ये भी इसी तरह के लोग हैं, और ये भी इनके भी मसाइल उसी तरह हैं बाकी जिस तरह। ये मेरे नज़र में ये प्रायोरिटीज़ हैं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़रूर आप फॉलो कर लें, अगर ना आए तो फिर ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जो मेरे ख्याल में था कि ये यूं होना चाहिए था। बहरहाल मैंने अपनी एक राय दे दी, आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह हो। बाकी ये खुशाइंद बात है कि आपकी कमेटी बन गई है, क्योंकि अगस्ट हाउस है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही की जो कमेटियाँ होती हैं वो डिपार्टमेंट्स को देखती हैं, उसकी जो तरीकाकार होता है उसको अपनी डायरेक्शंस देती हैं, और उनके पास फुल अख्तियार आता है जो चाहे वो कर लें। लिहाजा ये मुलाजमीन के लिए, ये साइड एम्प्लॉयज हैं, इनके लिए बहुत खुशी की बात है कि ये स्पेशल कमेटी बन गई है, तो मैं दुआ भी करता हूं कि इंशाल्लाह ये इसके रिजल्ट भी अच्छे फ्रूटफुल होंगे। और इसी दुआ के साथ आप दूसरों से गुजारिश है कि एक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।